नमस्कार दोस्तों, श्राइनी यात्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चारधाम यात्रा 2024 के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगामी दिनों में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी हुई है। मार्च के अंत तक पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के बाद पंजीकरण शुरू कर दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। चारधाम यात्रा की तैयारी के लिए पर्यटन विभाग द्वारा गढ़वाल मंडल आयुक्त को 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस राशि को केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों को बेहतर व्यवस्थाएं देने पर खर्च किया जाना है। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण व्यवस्था में इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। तीर्थयात्रियों को चारों धाम में भीड़ भाड़ और व्यवस्थाओं के विषय में ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी मिल सकेगी, जिससे तीर्थयात्रियों की यात्रा सुगम हो सके। महाशिवरात्रि के अवसर पर 8 मार्च को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होगी, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खुलने हैं। परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने हैं। अभी मंदिर समिति द्वारा कपाट खोलने की औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। पर्यटन एवं धर्म से मंत्री सतपाल महाराज कहते हैं कि चार धाम यात्रा में अब की बार काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसे देखते हुए संबंधित विभागों को यात्रा की तैयारी समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।